हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मध्यकालीन भारत का इतिहास चलाता है। इसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के बारे में हमने बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर इसी में एक छोटा सा टॉपिक शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ा हमने। उसके बाद अकबर के बारे में भी पढ़ा। आज जहांगीर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जहांगीर जो है, इनका एक नाम सलीम भी है। आपको हमने अकबर के वीडियो में बताया भी था, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहांगीर का एक नाम क्या है? सलीम। ठीक है, जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठते हैं। तारीख है 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठते हैं, मतलब अपनी शासन सत्ता संभालते हैं। तो इनके जन्म की बात करें अगर, तो इनका जन्म हुआ है 1569 में। ठीक है, एक प्रश्न ये भी हो सकता है इसमें कि ये जहांगीर कितने साल का था जब उसने शासन सत्ता संभाली थी या गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ते 36 साल की उम्र में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1605 से लेके 27 तक। चलिए देखते हैं। जहांगीर का जो विवाह हुआ, इनका पहला विवाह, कई सारे विवाह हुए, तो पहला विवाह इनका अंबर, जो जयपुर के एक राजा थे उनके भगवान दास, उनकी पुत्री के साथ, और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। ठीक है, 1585 में इनका पहला विवाह अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ 1585 में हुआ था। इन्हीं मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा विवाह कब हुआ? दूसरा विवाह हुआ उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, इनसे पैदा हुए खुर्रम। ठीक है, तो जगत गोसाई से खुर्रम पैदा हुए और खुसरो का जन्म हुआ है मानबाई से, इतना आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के बारे में, जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध है? एक प्रश्न हमेशा आता है कि वो अपनी न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में इसने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। ठीक है, और ये जंजीर जो थी वो सोने की बनी हुई थी, और ये आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करें तो आगरा के किले में हुआ इसका राज्याभिषेक 1605 में, हमने पहले ही बताया था। इसने वीर सिंह बुंदेला को उच्च पद प्रदान किया था। हमने आपको बताया था कि दक्षिण से आते समय अमीर खुसरो की हत्या हुई थी 1602 में, वीर सिंह बुंदेला ने की थी, तो वो जहांगीर के ही उकसाने पर ऐसा किया था उसने। और जहांगीर उस समय क्या किया था? इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था 1602 के ही समय में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये वही वीर सिंह मुंडेला है, ओरछा का रहने वाला। ठीक है, इसने उदारता के साथ अपना शासन प्रारंभ किया। इसने दो अस्पा, सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की। इसके तहत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या था? यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत बिना जात पद बढ़ाए
मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दो अस्पा क्या है? दो अस्पा है सवार पद का दो गुना और सिंह अस्पा है सवार पद के तीन गुने। घोड़े रखने पड़ते थे। जात और सवार पद के बारे में आपको पता है। ठीक है, जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ की संधि की थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है, तो इनके पुत्र हैं राणा अमर सिंह। 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई है राणा अमर सिंह से। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि चित्तौड़गढ़ की किलेबंदी ना करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग राणा को वापस कर दीजिए। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ की संधि में एक शर्त ये थी कि चित्तौड़गढ़ का किलाबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन राणा को सारे जो भूभाग थे समस्त भूभाग वो वापस कर दिए गए थे इसी संधि के तहत, जो कि 1615 में राणा अमर सिंह के साथ और जहांगीर के बीच में हुई थी। ठीक है, विलियम हॉकिंस कौन है? जेम्स प्रथम के राजदूत हैं और ये अकबर के दरबार के लिए भेजे गए थे, अकबर के दरबार में भेजे गए थे। लेकिन ये जब पहुंचते हैं विलियम हॉकिंस भारत, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। क्यों? उस समय अकबर की मृत्यु हो गई होती है। ठीक है, तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था, जेम्स प्रथम का राजदूत था, इसे इंग्लिश खां की उपाधि मिली और आर्मेनिया की एक स्त्री के साथ इसका विवाह भी कर दिया गया, जहांगीर ने किया। ठीक है, इसके बाद थॉमस रो आता है 1615 में, सूरत पहुंचता है, फिर अजमेर में जहांगीर से मुलाकात किया। थॉमस रो जो कि 1615 में भारत आया, उस सूरत पहुंचा और अजमेर में जहांगीर से इसने मुलाकात की थी। ठीक है, थॉमस रो 1615 सूरत पहुंचता, अजमेर में जहांगीर से इसने मुलाकात की। फ्रांसिस्को पेल्सर्ड भी हैं, ये डच यात्री थे, इन्होंने एक किताब लिखी रिमॉन्स्ट्री में, रिमॉन्स्ट्री एक बुक है इनकी, इसमें इन्होंने जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है। तो ध्यान रखना है कि फ्रांसिस्को पेल्सर्ड जो कि डच यात्री हैं, इनकी एक किताब है रिमॉन्स्ट्री, जिसमें जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके समय में प्रसिद्ध चित्रकार दो थे, एक तो थे उस्ताद मंसूर और एक थे अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन दो चित्रकार थे प्रसिद्ध। इनमें से उस्ताद मंसूर जो थे पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे और अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार के महान महारत इनको हासिल थी। ठीक है, उस्ताद मंसूर को नादिरुल असर की उपाधि दी गई थी और नादिरुल जमा की उपाधि के साथ अबुल हसन को प्रदान की गई। ठीक है, तो नादिरुल असर उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी, अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसमें से एक पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे और दूसरा व्यक्ति विशेष चित्रकार था। ठीक है, जहांगीर एक अच्छा लेखक भी था। जहांगीर ने एक किताब लिखी थी तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी जो कि आत्मकथा है, इसको जहांगीर ने शुरू की थी। तुजुके जहांगीरी हो सकता है यहाँ पे हो, इसमें लिखा गया हो, नहीं तो ऐसे याद रखना कि तुजुके जहांगीरी की शुरुआत लिखने की शुरुआत की थी जहांगीर ने, लेकिन पूरा करने का काम किया था मौतबिंद खान ने। ठीक है, इसको पूरा, जैसे पूरा किसने किया तो मौतबिंद खान, नाम याद रखना हो। तुजुके जहांगीरी किसने पूरा किया लिख के, तो मौतबिंद खान, इन्होंने इसको पूरा किया था। ठीक है, यह एक उच्च कोटि का लेखक था, समालोचक भी था। इसने तुजुके जहांगीरी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, ये इसमें दिया भी है। ठीक है, खुसरो का विद्रोह होता है, खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 में, फिर इसके बाद 1623 में एक विद्रोह होता है खुर्रम का विद्रोह, इसमें महावत खां इसका साथ देता है, महावत खां के नेतृत्व में खुर्रम का विद्रोह होता है 1623 में, फिर महावत खां का भी एक विद्रोह होता है। ठीक है,
है, महावत खां का विद्रोह होता 1626 में, ठीक है। फिर इसका एक मकबरा है जो कि पाकिस्तान में है, हमने बताया है कि मुगल साम्राज्य में, मुगल शासकों में दो ऐसे रहे, एक बाबर और दूसरे जहांगीर, जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो विद्रोह हुए हैं, इन विद्रोहों का क्रम भी याद रखना है। खुसरो का विद्रोह सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद खुर्रम आते हैं, फिर उसके बाद होता है महावत खां का विद्रोह, ठीक है। चलिए अब, अच्छा, जो खुसरो का विद्रोह है 1606 में हुआ, खुसरो और जहांगीर का जो विद्रोह था, ये युद्ध भी हुआ होगा, तो खुसरो और जहांगीर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे था? खुसरो और जहांगीर का युद्ध भैरोवाल नामक स्थान पर हुआ था, भैरोवाल नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इन्हीं खुसरो की सहायता की थी सिख गुरु ने, जिनको मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। तो भैरोवाल में युद्ध हुआ, इसमें खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इनकी सहायता किसने की थी? सिखों के पांचवें गुरु थे, नाम था अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो कि खुसरो की सहायता किए, और अंत में क्या किया गया, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई, ठीक है। चलिए इतना हुआ, ठीक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, किसने बनवाया है? तो नूरजहां ने बनवाया था, पहली पूर्णतः संगमरमरकृत है। ये गुदाई और पित्रा दोरा का प्रयोग इसमें सजावट के लिए किया गया था, एतमादुद्दौला के मकबरे में, ठीक है। फिर आगे ये प्रश्न आ चुका है, गोविंद महल कहाँ है? तो दतिया मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किया था वीर सिंह देव ने। वीर सिंह देव ने पत्थरों से इसका निर्माण किया, जो कि दतिया में स्थित है, तो गोविंद महल इसका नाम है, ठीक है। आगे नूरजहां गुट है, तो पहले नूरजहां के बारे में जानते हैं। नूरजहां जो हैं, ये ईरान के निवासी हैं, मिर्जा गियास बेग की पुत्री हैं। मिर्जा गियास बेग की पुत्री हैं, और इनका वास्तविक नाम है मेहरुन निसा, ठीक है। मेहरुन निसा जो कि नूरजहां का विवाह हुआ था 1594 में अली कुली बेग से, और जहांगीर ने क्या किया कि एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि भी प्रदान की थी। किसको? अली कुली बेग, जिसकी पत्नी थी नूरजहां, ठीक है। तो 1607 में शेर अफगान जो थे, अली कुली बेग, इनकी मृत्यु हो गई, और मेहरुन निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में हाजिर हुई, नियुक्त हुई, और पहली बार जहांगीर नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन निसा को देखा था। इसी अवसर पर क्या किया उसने, उनके सौंदर्य से मुग्ध होकर 1611 में नूरजहां से शादी कर ली थी। नूरजहां से फिर शादी किए, तो ये चीज भी एक पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद इनको कुछ उपाधियां भी दी गई जहांगीर के द्वारा, नूर महल, ठीक है ना। इन्हीं के सम्मान में चांदी का सिक्का भी चलाया जहांगीर ने, चांदी का सिक्का भी चलाया था जहांगीर ने इन्हीं के सम्मान में, किसके? नूरजहां के सम्मान में, ठीक है। जब शादी किया नूरजहां से, तो उसमें जो मिर्जा गियास बेग थे उनको शाही दीवान बनाया गया। मिर्जा गियास बेग जो कि इनके पिताजी थे, इनको शाही दीवान बनाया गया, और इनको एक उपाधि दी गई। किसको? मिर्जा गियास बेग को क्या उपाधि दी गई? इत्मादुद्दौला,
अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ये एतमादुद्दौला, यही इनको एक उपाधि दी गई, यही उत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की गई किसको, मिर्जा गियास बेग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये नूर जहां गुट क्या है। नूर जहां गुट एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग, जो नूर जहां के पिता था, असमत बेगम जो कि नूर जहां की माँ, आसफ खां नूर जहां का भाई था, और ये थे शहजादा खुर्रम शाहजहां। नूर जहां गुट में ये लोग शामिल थे। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जहांगीर का शासन काल दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बटता है, जिसमें से एक भाग रहता है, पहला काल है 1611 से 1622 का, इसमें नूर खुर्रम जो है नूर जहां गुट का सदस्य था। लेकिन दूसरा काल जब आता है 1622 से 1627 का, इसमें खुर्रम जो है गुट से बाहर हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब महावत खां कोई है, जहांगीर के समय में ही एक महावत खां है। महावत खां ने झेलम के तट पे 1626 में, महावत खां ने अभी हमने बताया था जो इनका विद्रोह हुआ था, तो ये 1626 में जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। किसने, महावत खां ने। ठीक है, तो महावत खां ने जब इनको बंदी बनाया तो उसके बाद तो इनका विद्रोह भी हुआ था ना, महावत खां का विद्रोह 1626 में, पहले खुसरो का विद्रोह, फिर खुर्रम का विद्रोह, फिर उसके बाद इनका विद्रोह आता है, महावत खां का विद्रोह। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये है, ये प्रश्न आया हुआ है, पीटर मुंडी जो कि इटली के यात्री था और यह शाहजहां के शासन काल में भारत आया हुआ था। ठीक है, जहांगीर के बारे में एक कहावत है, ये कहता है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, मतलब कोई भी चित्र हो, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी एक चित्रकार ने बनाई है, तो भी यह जान लेता हूं मैं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है, मतलब ये चित्रकला का पारखी था। ठीक है, और इसके समय में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। एक प्रश्न बहुत बार बार आता है, अशोक का एक अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है कौशाम्बी, अशोक का एक अभिलेख है कौशाम्बी का, जो कि इस समय प्रयाग में है। ठीक है, कौशाम्बी प्रयाग में, तो इसमें क्या है, समुद्रगुप्त, इसी पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और साथ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है उस पे किन किन राजाओं का उल्लेख किया गया है या किन किन का उल्लेख उत्कीर्ण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, जहांगीर का भी मकबरा बना, तो जहांगीर का जो मकबरा रहा भारत से बाहर है शाहदरा में पाकिस्तान, तो इसका निर्माण किया था नूर जहां ने, नूर जहां मेहरुन्निसा जो थी। ठीक है, अब जहांगीर के समय में कुछ यात्री आए थे, विदेशी यात्री, जिनमें देखिए विदेशी यात्री कौन कौन से थे, विदेशी यात्री एक तो हॉकिंस रहे, हमने बता दिया है हॉकिंस के बारे में, थॉमस रो के बारे में भी हमने बता दिया, जो 1615 में सूरत पहुंचे और अजमेर में उनसे मुलाकात की। इसके बाद विलियम
फिंच हैं एक, ये भी इन्हीं समय में आए, और एक हैं एडवर्ड टेरी। ये प्रश्न आते रहते हैं तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये यूरोपीय यात्री थे हॉकिंस, थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के ही शासनकाल में भारत आए हुए थे। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो के साथ बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।